राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम पांच सौ वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है, हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है, हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग पांच शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलही राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे
तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विफलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी, जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वो सदियों तक अभिषिक्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही, अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टा के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पीढ़ी नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासियों के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राजचिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है।
अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है, यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है, ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन
एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र, ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। भारत के तो संविधान में, उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं, आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्व से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है, हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है।
दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है।
और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजार वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से, अगले 1,000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं।